हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री सवारी डिब्बा कारखाना की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो ये वैकेंसी इनवाइट की गई है वो है आपके अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए, और आप इसके लिए कर सकते हैं इसको अप्लाई ऑनलाइन 4/9/2020 से 25/9/2020 तक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो अप्रेंटिसशिप है ये फ्रेंड्स तमिलनाडु रेजिडेंट के कैंडिडेट के लिए रहेगी, जो कि इसमें एप्लीकेबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए दो तरह की कैटेगरी दी गई है, फ्रेशर या एक्स आईटीआई। तो अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपनी सीट देख सकते हैं, एक्स आईटीआई है तो भी आप यहाँ पर अपनी जो सीट्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1000 पदों के लिए ये यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की नोटिफिकेशन इनवाइट की गई है। इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी पोस्ट आपके पीएच कैंडिडेट के लिए एलिजिबल है उसकी जानकारी आपको दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स पीएच कैंडिडेट की जो कैटेगरी है उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। एज क्राइटेरिया 15 से 24 साल रहेगा, 1/10/2020 को ये आपका काउंट होने वाला है। अपर एज में फ्रेंड्स जो भी रिजर्व कैंडिडेट है उनको यहाँ पर छूट मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स फीटर इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिस्ट जो कि एक्स आईटीआई पोस्ट है, इसमें आपका 10वीं जो कि साइंस या मैथ सब्जेक्ट के साथ पास होना ज़रूरी है, और आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो भी आपकी पोस्ट है एक्स आईटीआई में, इसमें 10+ में आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। फ्रेशर कैंडिडेट की बात करें तो सिर्फ 10वीं क्लास पास होना आपका ज़रूरी है, 50% मार्क्स के साथ अगर आप पास आउट हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एमएलटी की जो वैकेंसी है इसमें फ्रेंड्स सिर्फ 12th क्लास पास होना आपका ज़रूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ। और यहाँ पर जो आपकी ट्रेनिंग है वो आपकी 2 साल और 1 साल 3 महीना रहेगी आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको रेट ऑफ स्टिपेंड दी गई है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, 10वीं क्लास से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो 6000 रुपये पर मंथ आपको भत्ता मिलेगा। फ्रेशर कैंडिडेट हैं, 12th के बेसिस पर एमएलटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 7000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, आप स्टिपेंड मिलेगा। एक्स आईटीआई के लिए भी यहाँ पर 7000 रुपये ही आपका स्टिपेंड रखा गया है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको दिया गया है हाउ टू अप्लाई। तो फ्रेंड्स इसका जो ये लिंक है इस पर आप क्लिक करेंगे, 4/9/2020 से 25/9/2020 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस है ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं। प्रोसेसिंग ऑफ फीस फ्रेंड्स यहाँ पर 100 रुपीज़ रहेगी, जो कि जनरल ओबीसी कैंडिडेट को देनी होगी। अगर आप एससी एसटी पीएच या वुमेन कैंडिडेट हैं आपको कोई भी फीस यहाँ पर पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया फ्रेंड्स अगर यहाँ पर देखें तो फ्रेंड्स मेरिट बनेगी आपकी 10वीं, या फिर अगर आप एमएलटी का फॉर्म फिल करते हैं तो 12th बेसिस पर, और इसके बाद ही फ्रेंड्स आपको जो है सीट अलॉट की जाएगी और आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये लिंक है इस पर आपको यहाँ पर देखिए क्लिक करना है, या फिर आप इसको कॉपी करके ओपन कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में, और दिए गए ऑप्शन से फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स आईटीआई या फिर फ्रेशर दोनों के ही आपको ऑप्शन है। अब आपको इन पर क्लिक करना है और आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें इन दोनों में से वो आप फ्रेंड्स यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो जो स्टेप आपको फॉलो करने हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कैसे इस फॉर्म को फिल करना, तो हम इसका वीडियो जो फॉर्म फिलअप का है वो भी अवेलेबल आपको करा देंगे, अगर आप कहेंगे कि कैसे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर डिटेल आपको मेंशन की गई है। स्टेप बाय स्टेप सभी डिटेल को चेक कीजिए, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। और ध्यान रखिएगा अप्रेंटिसशिप परमानेंट जॉब नहीं होती है, ये सिर्फ आपकी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप का, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको टाटा बाय बाय कह दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स कोई भी वैकेंसी निकलेगी अप्रेंटिसशिप की तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को तो आप वो ले सकते हैं, इससे ज्यादा इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। और फ्रेंड्स यहां पर जो भी क्राइटेरिया जैसा मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर jobrasta.com की साइट पर जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो में हमने जो भी बात की है जिस भी नोटिफिकेशन के बारे में, अगर आपको वो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो बनता ही है, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही जानकारी ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन की डिटेल्स के लिए फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।